दोस्तों आज बात करते हैं कस्टमर जर्नी के बारे में। कस्टमर जर्नी मार्केटिंग में इसका मतलब होता है कि फर्स्ट टच पॉइंट से लेके फाइनल सेल होने तक कस्टमर जो पाथ फॉलो करता है, उस पाथ को ट्रैक करने को, उस पाथ को एनालाइज करने को कस्टमर जर्नी कहते हैं। उस पूरे एक्सपीरियंस को ट्रैक किया जाता है। इसका पर्पस होता है ताकि कस्टमर्स की जो जर्नी है उसको ट्रैक करके कंपनीज ये पता लगा सकें कि वो जर्नी में कहाँ कस्टमर्स के पेन पॉइंट हैं, कहाँ पर उसको परेशानी हो रही है, ताकि कंपनीज उसको दूर कर सकें। उस कस्टमर जर्नी को ऑप्टिमाइज करना, ज़्यादा अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस देना, और अगर कोई पेन एरियाज हैं उस जर्नी में तो उनको दूर करना, ये कंपनीज का मकसद होता है और इसीलिए वो इसको ट्रैक करते हैं। एक वेबसाइट का अगर एग्जाम्पल लें तो वेबसाइट में अलग अलग टच पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे कस्टमर पहले आता है। कभी वो होम पेज में आ सकता है, कभी किसी प्रोडक्ट पेज में आ सकता है। अलग अलग तरीके से एक वेबसाइट पे एंटर करेगा, राइट। कस्टमर किसी को फ़ोन भी कर सकता है, कस्टमर केयर में या सेल्स टीम में फ़ोन भी कर सकता है, तो वो भी एक फर्स्ट टच पॉइंट हो सकता है। तो अलग अलग फर्स्ट टच पॉइंट से फिर फाइनल जब वो सेल करता है, अलग अलग जर्नीज हो सकती हैं। इनको ट्रैक किया जाता है ताकि इनमें अगर कोई खामियाँ हैं उनको दूर किया जा सके, और सबसे बड़ी बात, कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन किया जा सके। अगेन सेल्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स बाय करें इसके लिए। तो ये था छोटा सा वीडियो कस्टमर जर्नी के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए। इस तरीके के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। थैंक यू।